हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। आपका स्वागत है इजी होम रेसिपीज में। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए बहुत ही झटपट बनने वाला टेस्टी और क्रिस्पी सा नाश्ता। इस नाश्ते को मैं हेल्दी बनाने के लिए थोड़ा सा लौकी का भी इस्तेमाल की हूं और ये नाश्ता हम साबूदाना से बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप साबूदाना। ये फुल के सवा कप हो गया है इस कप से और 3 घंटे के लिए फुला लिया है। साबूदाना बहुत अच्छे से फूल चुका है। देखिए, सबसे पहले हम मिक्सी के जार में साबूदाना को डाल के पीस लेंगे। अगर आपका साबूदाना थोड़ा गीला है तो बिल्कुल भी पानी ना डालें, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्राई है तो मैं 2 चम्मच पानी डाल देती हूँ। हमने पीस लिया है और ज़रूरत पड़ेगी तो पानी ज़रूर डालिएगा। साथ ही में हमें चाहिए 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। तो आलू को कद्दूकस कर लेते हैं ताकि किसी भी तरीके का लम्स ना रहे। अगर गरम गरम आलू है तो हाथों से ही मैश कर सकते हैं। तो आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैं यहाँ पे देखिए इतना छोटा लौकी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि व्रत में हम और कुछ नहीं डाल सकते हैं। तो आप लौकी के बदले खीरा भी डाल सकते हैं, और अगर लौकी में बड़े बड़े बीज हैं तो निकाल दीजिएगा। तो लौकी को कद्दूकस करने के बाद हम इसमें डाल देते हैं पीसे हुए साबूदाना। आप चाहें तो 1-2 चम्मच सिंघाड़े का आटा या फिर राजगिरी का आटा, कुट्टू का आटा, जो भी आप खाते हैं व्रत में वो भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने 3 से 4 चम्मच पानी डाल के मिक्सी से सारा साबूदाना निकाल लिया है। अब इसको टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे भुनी हुई मूंगफली को मिक्सी में पीस लिया है। तो ये 2 चम्मच मूंगफली का पाउडर हुआ, रोस्टेड पीनट पाउडर, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर। बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा क्योंकि और कोई मसाला तो हम डाल नहीं सकते। भुना जीरा पाउडर के साथ साथ साबुत जीरा 1/2 छोटी चम्मच डालें। स्वाद अनुसार व्रत का नमक यानी सेंधा नमक, 2 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी धुली धनिया पत्ती। सारी सामग्री को हम अच्छे से मिला लेंगे। हमें चिल्ले के बैटर से थोड़ा गाढ़ा घोल रखना है। तो आप देख सकते हैं मिश्रण थोड़ा गाढ़ा है। 3 से 4 चम्मच पानी डालते हैं और मिला लेंगे। अगर आप नॉर्मली इस नाश्ते को बनाना चाहते हैं तो इसमें लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला कुछ भी डाल सकते हैं। और अगर व्रत में आप दही नींबू खाते हैं तो इसमें ज़रूर डालें। मैं इसके बिना ही बनाना बता रही हूँ। तो इस बैटर को बनाने में हमने 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अगर चम्मच से ना मिले तो हाथों का इस्तेमाल करें। और देखिए ये चिल्ले के बैटर से थोड़ा गाढ़ा है। अब हम पैन या तवा चढ़ाएंगे। गैस पे पैन चढ़ाया है, उसमें आप जो भी घी या तेल खाना पसंद करते हैं वो लगा दें। फ्लेम को बिल्कुल कम कर दें। पैन हमारा मध्यम गर्म होगा। अब हम 1 बड़ा, जिसे हम दाल निकालते हैं ना दोस्तों, बड़ा वाला चम्मच, इससे हम डालते हैं और हल्के हाथों से फैला लेंगे। साबूदाना आलू है इसलिए हल्का सा चम्मच चिपकेगा। हल्के हाथों से फैलाएं, लेकिन कोई परेशानी नहीं होगी। अब इस तरीके के स्पैचुला या फिर चम्मच से हल्का सा हम शेप दे देते हैं हल्के हाथों से। अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे, यानी मीडियम से थोड़ा कम, और लिड से कवर करते हुए 3 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद हम पलटेंगे। तो 4 मिनट हमारा हो चुका है और देखिए ये किनारों को छोड़ दिया है। स्पैचुला से इस तरीके से पहले चला लीजिएगा दोस्तों। तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप कोई भी व्रत का आटा इसमें 2 चम्मच डाल सकते हैं। तो देखिए बिना कोई परेशानी का, बिना टूटे, कितने ही आसानी से ये बाहर आ गया। अब हल्का सा ऊपर से घी या ऑयल लगा लेते हैं।
बस आपको आंच को बहुत तेज नहीं रखना है, इसे उलट लीजिए। तो देखने में ही काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है ना, खाने में वाकई बहुत मज़ा आने वाला है। पीछे से हम फिर से ढकते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। 2 मिनट के बाद बहुत क्रिस्पी बना है, धीरे से स्पैचुला चला लेंगे, कोई परेशानी नहीं होने वाली आपको। देखिए बिल्कुल डोसे की तरह क्रिस्प हुआ है। इतना सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से हम और चिल्ले बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला करने की कोशिश ना करें और डालने के बाद हल्का सा स्पैचुला से सेट कर लें और इसे भी हम ढकते हुए 5 मिनट में पका लेते हैं। तो ये भी तैयार है। तो इतने घोल में 4 बड़े-बड़े चिल्ले बनके तैयार हुए हैं और आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। तो मैं आपको हाथ में उठा के बार बार दिखा रही हूँ ताकि आप ध्यान से देखें कितनी छोटी छोटी जाली बनी है। तो आप एक बार इसे बनाएंगे तो व्रत का डोसा भी खाना भूल जाएंगे, ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसे व्रत की हरी चटनी या मूंगफली की चटनी के साथ खाइए, सबको बहुत पसंद आएगा। तो इस व्रत के चिल्ले की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और एक कीमती सुझाव ज़रूर दें। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा के सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।